दोस्तों, आज सबसे पहले हम डायरेक्ट्रिक्स लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। उसमें ए बी लाइन पे कहीं पे भी हम ये पॉइंट मार्क कर सकते हैं। ये पॉइंट में से हम हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। ये जो पॉइंट है वो कहीं पे भी हम ले सकते हैं वर्टिकल लाइन पे, और ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसकी लेंथ भी हम कोई भी लेंथ ले सकते हैं। अब यहाँ एसेंट्रिसिटी ई इज़ इक्वल टू वी एफ बाई आर वी, जो डिस्टेंस 2/3, यानी कि हम 20 mm/30 mm ले सकते हैं। वी एफ 20 mm, आर वी 30 mm। यहाँ 30 एंड 20 mm पे हम दो डिवीज़न लेंगे इस तरह से, 20 एंड 30। यहाँ पॉइंट एफ फोकस पॉइंट एंड आर पॉइंट हम मार्क करेंगे। एफ फोकस पॉइंट है, वी पॉइंट वर्टेक्स पॉइंट है। इस तरह ये जो वी वी पॉइंट को सेंटर रख के वी एफ रेडियस की यहाँ आर्क लेंगे। वी पॉइंट को सेंटर रख के वी एफ रेडियस की आर्क, ये जो आर्क का पॉइंट, ये जो पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट, दोनों में से पास होती हुई एक लाइन हम यहाँ इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे। अब वी एफ डिस्टेंस को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये सभी डिवीज़न की लेंथ हम अप्रोक्सीमेटली सेम लेंथ रख सकते हैं। यहाँ डैश पॉइंट मार्क करेंगे। टू में से पास होती है वर्टिकल लाइन, टू टू डैश पॉइंट। थ्री में से थ्री थ्री डैश लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड फोर में से फोर फोर डैश लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। आगे भी हम फाइव फाइव डैश, सिक्स सिक्स डैश, सेवन सेवन डैश। अभी हम वन वन डैश जितनी रेडियस सेट करेंगे, वन से वन डैश जितनी रेडियस, यानी कि इतनी रेडियस सेट करेंगे। एफ पॉइंट को सेंटर रख के हम वन वन डैश की जो लाइन है, और ये लाइन पे ऊपर और नीचे दोनों साइड हम आर्क लेंगे। इस तरह से हमें आर्क मिलेगी। ये आर्क की रेनी है। अब हम टू टू डैश जितनी रेडियस लेंगे, टू पॉइंट से टू डैश जितनी, इतनी रेडियस हम लेंगे। एफ पॉइंट को अगेन हम सेंटर रखेंगे, और टू टू डैश की लाइन पे ऊपर और नीचे हमें आर्क मिलेंगी इस तरह से। अब हम थ्री थ्री डैश रेडियस लेंगे, थ्री से थ्री डैश जितनी रेडियस, और सेंटर पॉइंट अगेन हम एफ पॉइंट को ही सेंटर रखेंगे, और थ्री थ्री डैश की जो लाइन है वो लाइन पे हमें ऊपर नीचे इस तरह से दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेंगे आर्क लेने से। सिमिलर पॉइंट फोकस पॉइंट रखेंगे। ये जो आर्क और वर्टिकल लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हम हाईलाइट करेंगे इस तरह से। ये जो पॉइंट हमने मिला है उसको हाईलाइट करेंगे। ये सभी पॉइंट में से पास होता हुआ कर्वेचर शेप हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, स्मूथ कर्वेचर शेप। ये जो लाइन हमने कर्वेचर शेप है उसको हम इलिप्स बाई डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड बोल सकते हैं। हम यहाँ आगे का नंबर देंगे, फाइव सिक्स सेवन, उसमें से पास होती हुई लाइन फाइव फाइव डैश, सिक्स सिक्स डैश, सेवन सेवन डैश। इलिप्स यहाँ इस तरह से हम कंटिन्यू करके पूरा पूरा इलिप्स शेप हमें मिलेगा। यही मेथड से हम पैरेबोला एंड हाइपरबोला भी ड्रॉ कर सकते हैं। एसेंट्रिसिटी रेशियो इक्वल टू वन है तो हमें पैरेबोला शेप मिलेगा, और एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन वन है तो हमें हाइपरबोला शेप मिलेगा। ई शेप ड्रॉ कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।